यानी कि शौक है अच्छा खाने का, अच्छा गाना बजाना सुनने का। क्या बात। हमारी कंपनी ये रहती थी, अर्शद साहब है अल्लाह करी करे अहमद करे, मेरा भाई था नदीम अशरफ ड्रम प्लेयर, बेस्ट फ्रेंड जो है वो राहत अली खान साहब भी हैं और शफकत मानतली के साथ भी मेरी बड़ा प्यार है, भाई है। अब ना समझ आती है ट्यूनर कौन है, ना समझ आती है रेंजर कौन है, क्योंकि हर बंदा एक कह रहा है जी मैं रेंजर भी हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, मैं फलाना। साज नीचे से लेके ऊपर कहाँ तक जाता है, ये शनाई है इसका बाज क्या है, ये सैक्सोफोन है इसका बाज क्या है, ये मैडोलिन क्या है, ये गिटार क्या है, ये कीबोर्ड क्या है, ये हारमोनियम क्या है, सिंगर है, ये कहाँ तक ऊपर जाता है कहाँ तक नीचे गाता है, इन बातों का तो बहुत कम लोगों को पता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब यहाँ पे बैठे हुए म्यूजिक दे रहे हैं तो उनका म्यूजिक काफ़ी हो रहा है। नहीं मैं जिनका देखने वाला हूँ वो अमेरिकन है कैनी जी, इनको नहीं मैं भूल सकता, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एम अरशद राहत फतेह अली खान साहब जी, वो तो आप जैसे सवाल डाल रहे हैं रफड़ना पा रहे हैं। पुराने दौर में निसार हुसैन बाग साहब हैं जी, जी जी ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया, एक तो काम के बहुत आला। हाँ जी उनको देखा है मैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कठे किया। हाँ और उसके बाद फिर उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर जी जी, वो बात इंडिया तक बातें उनकी गई हैं और लोग यहाँ बड़ा इन्जॉय करते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। वो सही साहब बात करते थे, एक होती है कोई किसी को जुगत मारना यार तेरा मुंह है जे तेरा, वो नहीं करते थे। सही वो मौके की बात करनी जो होती है ना वो उनका कमाल था। बिल्कुल सही। और क्या बात है पैदा ना शुद्ध आर्टिस्ट। और आपके बारे में भी मैंने सुना है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ी स्ट्रांग है। नहीं बस ऐसे ही है, वो आंदा भी बात हो जाती है कभी ना कभी, तो फिर वो लोग अपने जो टीम वाले होते हैं मजा लेते हैं। इस तरह खान साहब के साथ भी सब बैठक उठक में ये बातें होती रहती हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि जिस तरह रिकॉर्डिंग्स में उनके साथ इस तरह की नई नई सिचुएशन बन जाती थी तो वो बात करते थे, लोग उसको इंजॉय करते। आपके साथ कोई रिकॉर्डिंग्स में या कहीं सफ़र में आते जाते हुए कोई ऐसी बात वो प्लीज़ शेयर करिएगा। बड़ी बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। मिसाल है कि हम जा रहे हैं सफ़र पर तो वही बंदे को अच्छा कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, भूख लगी है तो वही बुरा लगने लग पड़ा। आर्टिस्ट ने तो फीलिंग आती है वो बदीद हो जाए यार ये क्या हो गया है। तो इस तरह के बड़े बड़े वाक्य गुजरते हैं, बड़े बड़े ऐसे वाक्य गुजर जाते हैं जो मज़ा लेते हैं, बाद में कहते हैं यार सॉरी यार भूख लगी सी आ रहा हो गया। तो पता ही है। तो आप खाने पीने वाले लोग हैं, क्या खाना पसंद करते हैं आप? बिल्कुल सही साहब, तुम कड़ियाँ गलत पूछ रहे हो। खाने पीने में बहुत, वैसे तो जो मेरी पर्सनली एक आदत है मुझे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ माशाल्लाह, तो बाकी जो दूसरी जो आदत ख़राब है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से कुकिंग सीखी है बकायदा। वाह वाह। जब पहली दफ़ा मैं लंदन गया था आप 91 में गए थे जी जी ठीक है ना, मैं 94 में गया हूँ खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। वाह वाह वाह। तो वो जाना था तो 3-4 महीने पहले ही पता था जाना था, तो मैंने कहा यार वहाँ पे उस वक्त पता था जी पता नहीं क्या मिलता क्या, तो मैंने बकायदा कुकिंग सीखी। वाह। बिरयानी कैसे बनानी है, कौरमा कैसे बनाना क्या है? बात। कीमा और करेले कैसे बनाने दाल तरी ना बनानी नहीं, नहीं, नहीं। दाल ते सही सा भाई उदो मतलब जो बड़ी रूह खुश हुई हो दाल खाने यानी कि नहीं खाते। देखो ना अभी गलां कड़ियाँ कर रहे हैं, भुख लग गई थोड़ी भी मैंने भी। तो इस तरह ही है। अब घर में माशाल्लाह है, मेरी वाइफ भी करती है जब वो फारिग होती है, तो मेरा तो वैसे एक शौक है किचन में ज़्यादा कोई चीज़ पका रही कभी कोई चीज़ यानी कि शौक है अच्छा खाने का, अच्छा गाना बजाना सुनने का। क्या बात क्या बात। तो अल्लाह परवरदिगार सबको सलामत रखे। तो बेसिकली ये दो अच्छे शौक ही हैं, खाना पीना यार चाहे जो भी हो वो अच्छा ही हो, जैसे भी हालात हो अच्छा ही हो। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे जी दो बेटी हैं माशाल्लाह, दो बेटे हैं अच्छा, एक बीवी है माशाल्लाह। अच्छा एक ही है। अल्लाह सलामत रखे। आप मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका हल्का बाप जो है, आपके जो दोस्त हैं जी 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 इस फील्ड में, वो कौन कौन से हैं?
दोस्त तो अपना सईद भाई बचपन में तो काफ़ी थे माशाल्लाह, बचपन में तो अभी भी हैं दोस्त, फिर जैसे जैसे थोड़ी सी बंदे में चेंज आ जाती है तो फिर दोस्त मेरे ज़्यादा, क्योंकि हमने एक इंडस्ट्री में 25 साल इकट्ठा काम किया है। ग्रेट, ठीक है। और उसमें भी हमारी कंपनी ये रहती थी, अर्शद साहब हैं, अल्लाह अगर करे अहमद करे, मेरा भाई था नदीम अशरफ, ड्रम प्लेयर। बड़ा दुख है, बहुत अफसोस, बहुत आला, क्या दर्जे का, अपने अपने दर्जे का बहुत आला ड्रमर था, पहला ड्रमर था पाकिस्तान, क्या बात, उनका पहला कोस्टिक ड्रमर था, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे छोटा है सलमान अशरफ, अल्लाह गिटार बजाता है। तो यही दोस्त है मेरे 20-25 साल अपने, क्योंकि दिन रात हम किसी को मिले ही नहीं, काम में ही रहे हैं, उठे हैं तो फिर काम पे चले गए, सोए हैं उठे हैं फिर काम पे चले गए। माशाल्लाह इतना काम था, अशरफ साहब का, अरशद साहब का, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का, उस वक्त शो इतने माशाल्लाह। तो फिर आप अभी जो है ज़रा थोड़ा सा आपको पता है इंडस्ट्री वो एक तरह की फारग हो गई। बिल्कुल सही, ये बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। और टीवी में भी वो लोग नहीं रहे, रेडियो भी खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। तो हमारी तो दोस्ती इन लोगों के साथ ही ना, बाकी अब जो फिर भी हम घर में इकट्ठे बैठते हैं, सही है। और दोस्त बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो राहत फतेह अली खान साहब भी हैं, क्या बात, और शफकत मानतली के साथ भी मेरी बड़ा प्यार है, भाई है, वो भी बहुत सही आदमी, क्या बात है, वो भी खानदानी, क्या बात है, क्या बात है, उनका माशाल्लाह आपको पता ही, तारीफ करने का, बहुत बड़ा खानदान है इसमें कोई शक, तो इस बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। आर्टिस्ट तो बंदा होता ही है, हाँ जी जाहिर है, जी जाहिर है, कोई देखो जी कोई अमीर है, कोई किसी को कुछ, वो अपने 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 तौर तक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके साथ कोई कैसे मिल जाए, हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह बात तो यही है, शफकत मानतली साहब, राहत फतेह अली खान साहब, जी जी हाँ जी, अरशद साहब हो गए, और जैसे बल्लू खान हैं तबले वाले, और ऐसे तो इस तरह मिलजुल के जिंदगी पास हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कंपोजिशन की दुनिया में कोशिश की है, काविश की है, जिस तरह के बहुत सारे लोग आजकल कंपोज़र भी बने हुए हैं और अरेंजर भी बने हुए हैं सारे, और आप तो माशाल्लाह गुनी आदमी, आपका कभी नहीं ध्यान पड़ा कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूं। ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, तो सच बोलना पड़ेगा, ये सईद भाई ये अलग अलग जॉब है, ये जॉब अरेंजर की, अरेंज तो वैसे यही कहते हैं ना, हर चीज़ को अरेंज करना, सही, एक होता है हमारी जुबान में अरेंजर जो म्यूज़िक अरेंज कर, जी बिल्कुल बिल्कुल, यार ये ट्यूनर बड़ा अच्छा है, ये ट्यून बहुत अच्छी बनाता है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये म्यूजिशियन है, ये बड़ा अच्छा बजाता है। अब हुआ क्या है, अब ना समझ आती है ट्यूनर कौन है, ना समझ आती है अरेंजर कौन है, क्योंकि हर बंदा एक कह रहा है जी मैं अरेंजर भी हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, मैं फलाना, नहीं नहीं नहीं, अरेंजर और चीज़ है, कंपोजिशन और चीज़ है। अब देखे ना, चले हम अपने घर की बात करते हैं, हम किसी को क्यों डिस्कशन करें, अब जैसे कि अरशद साहब हैं, हाँ जी बिल्कुल, पाए के रेजर, क्या बात है, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, ट्यून भी बना लेते हैं, गाने को अरेंज भी करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी करते हैं, सही है, ठीक है, उनको पता होता है यार अरेंजर का बेसिकली जो सही भाई काम है ये बड़ी, तो ये तो 10 घंटे का इंटरव्यू होना चाहिए मेरा, अरेंजर वो होता है जिसको हर सांस का पता हो, ये साज नीचे से लेके ऊपर कहाँ तक जाता है, ये शनाई है इसका बाज क्या है, ये सैक्सोफोन है इसका बाज क्या है, ये मैंडोलिन क्या है, ये गिटार क्या है, ये कीबोर्ड क्या है, ये हारमोनियम क्या है, सिंगर है, ये कहाँ तक ऊपर जाता है, कहाँ तक नीचे गाता है, सही, इन बातों का तो बहुत कम लोगों को पता है, सही, मैं अल्लाह रहम करे कोई किसी की बात नहीं कर रहा, सब बड़े अच्छे हैं, सही सही माशाल्लाह, तो जो करने वाला है आदमी है, जाहिर जाहिर, ठीक है ना, ऐसे नहीं लोगों का नाम हो गया, बिल्कुल, आप देखे ना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ जी, यहाँ पे बैठे हुए म्यूजिक दे रहे हैं तो उनका म्यूजिक कॉपी हो रहा है इंडिया में, अशरफ साहब यहाँ पे म्यूजिक दे रहे हैं उनका कॉपी हो रहा है वहाँ पे, कितने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका काम उन्होंने कॉपी किया है, तो वो काम करते थे ना, उनको पता था ट्यून कैसे बनानी है, सही, और अच्छाई उनमें ये थी जो काम भी जो करता था ना वो समझता यार मैं इसका मास्टर हूँ, मैंने ये करना है, तो बाकी आखिर में जॉब मैंने ये कभी कोशिश नहीं की, जो मैं अपना काम करता हूँ मैं तो सुबह उठ के वही दुआ मांगता हूँ या अल्लाह इसमें मैं कामयाब हो जाऊँ, बिल्कुल सही, इसमें कभी कोई मुझसे मिस्टेक ना हो, बिल्कुल सही, तो इसमें सुर आ जाए, क्योंकि आपको पता ही ये सांस
फूक वाले साज हैं, इंस्ट्रूमेंट बड़े मुश्किल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही दुआ मांगते हैं या अल्लाह जिसके भी काम पे जाएं अल्लाह परवरदिगार इज्जत रखे, और ये क्योंकि हमने किसी का बजाना होता है जाके, सही, तो अल्लाह इसमें इज्जत रखे। आमीन। बाकी जो 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 कर रहा है आपको पता ही है। इंस्पायरेशन होती है हर शख्स को, किसी किसी से इंस्पायर होता है वो। तो आपकी क्या इंस्पायरेशन थी सैक्सोफोन की दुनिया में, क्लार्नेट में, किसको आप फॉलो करते थे या कौन सबसे अच्छा है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में? जी मैं जिनका देखने वाला हूँ वो अमेरिकन है, कैनी जी। अच्छा। मैंने जब आँख खोली तो मैंने उसी बंदे को सुना है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो लेजेंड में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनके बारे में, मैं क्या उनको बोलूँ, उस्ताद आदमी है। क्या बात है, क्या बात। वो सप्रानो सैक्सोफोन भी बजाते हैं, वाह वाह, छोटा सैक्सोफोन भी बजाते हैं, बेबी आल्टो भी बजाते हैं, टैनर भी बजाते हैं। अल्लाह ने उनके काम में इतना असर दिया हुआ है, इतना सुर दिया हुआ है, क्या बात। बंदा उनको जब सुनता है तो ऐसे आराम से बैठ जाता है। मैं ज़्यादा उनसे मुतासर हूँ, वाह वाह, क्योंकि बंदा अच्छियाँ तो सारी ही चीज़ा ने। जी जी बिल्कुल, अच्छियाँ तो सारी ने अल्लाह रब परवरदिगार दी, कोई अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसे तुम कोई लगे जा रहा है हल्की। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन वो शौक तो अपना अपना कान तो अपने किस तरह किसी से सुन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं होना तो बहुत मुतासर हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। अल्लाह ख्याल रखे। और पाकिस्तान में सिंगर जिन लोग आप समझते हैं कि यहाँ पर फलां फलां सिंगर जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, उनके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा। अभी मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं या पिछले दौर की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं आप। पहले तो आप सीधा सीधा पीछे चले गए ना इन लोगों के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहे उस वक्त कुछ करते थे या नहीं करते थे, लेकिन शुरू से म्यूज़िक सुनने वालों सुनने वाले कान हैं, क्योंकि हमारा फैमिली काम है। तो जब हमने आँख ही खोली है तो आगे मैडम नूरजहान को देखा है, मेहंदी हसन को देखा है, गुलाम अली साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात, क्या बात। तो महनाज मनीद अख्तर, वाह वाह वाह। वैसे तो तुम पता है शौकत अली साहब भी मान गए ये। बिल्कुल, अपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो अब जो भी जैसा जैसा अपने अंदाज के बाद अपने, जैसे लाला जी हैं, ताउला साहब, शौकत साहब, शौकत अली साहब है जी, बिल्कुल है जी, रजब अली है जी, बिल्कुल, ए नैयर साहब है जी, जी चाचा मुनीर सैन था, मकसूद राणा था जी, जी इन लोगों के साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, बड़ी बात, माशाल्लाह, सभी बहुत अच्छे थे। आज के दौर की बात करें, राहत फतेह अली खान वो, और जी वो तो आप अब जैसे सवाल डाल रहे हैं रफड़ना पवा रहे हैं। आजकल के दौर में भी देखो जी, हमारे सही साहब पाकिस्तान का ही नाम है ना। सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद राहत फतेह अली खान बहुत अच्छा गा रहे हैं, शफकत मानतली साहब बहुत अच्छा गा रहे हैं, सजाद भाई बड़ा अच्छा गाते हैं, वाह वाह, आतफ असलम है, सब अली, कोई भी है हमारे पाकिस्तान का नाम है। अल्लाह सलामत रखे सबको। अगर हमारा तो फ़र्ज़ है, अल्लाह का फरमान है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है आप भी उसकी इज्जत करें, लेकिन आप जिसकी इज्जत कर रहे हो उसको भी पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उस इज्जत को मेरा नहीं पता होना चाहिए, मेरा गाना हिट हो गया तो मैं यार ईजी हो गया, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मसलन के सजाद अली हो गए, खान साहब उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब हो गए, शफकत मान, ये तो सीखे पूछे लोग हैं ना, क्या बात। इनका तो 500-500 साल से फैमिली फैमिली का बिल्कुल, काम बिल्कुल, है, फैमिली, और इतने सख्त बुजुर्ग थे जी, बिल्कुल इन लोगों की मैदान में बैठ कर रियाजत हुई है, मैदान में बैठ कर मेहनत की है लोगों। मेरे कहने से क्या होगा, लोग यार जी पता नहीं राहत फतेह अली खान साहब ने काम कर रहा है, इस बारे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बार बार उन्होंने जिक्र कर रहे हैं, नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सही भाई जो आंखों से देखी होती हैं। सही, बिल्कुल सही, अल्लाह का यार। तो माशाल्लाह सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज़ में आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया, कितने मुल्कों में गए होंगे आप? तकरीबन अमेरिका, यूके, हिंदुस्तान पूरा, अमेरिका पूरा, लंदन, पाकिस्तान तो है ही है, बाकी आप मिडल ईस्ट में भी देख लें, काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी रहमत की है परवरदिगार ने, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमने कुछ किया भी नहीं है तो पूरी दुनिया में नाम हो गया है, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। ये तो आप और अल्लाह के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाद अपने माँ बाप के दुआओं के साथ मैं वो ये 2-3 बंदे इनको नहीं मैं भूल सकता, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, एम अरशद, राहत फतेह अली खान साहब, क्योंकि जिनकी वजह से हमारा
खान साहब पहले जो एल्बम किया था वो शुरू में आर ओ में बात, लेकिन उस साल उसरफत अली खान साहब के साथ काम करके हमें बड़ी इज्जत मिली। वाह, ये भी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, अपना बॉस वो नहीं मस्का नहीं लगा रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ। काफ़ी देर तो यही रहा यार, वो ये आ गए, हमारा नाम ही वो पड़ गया था। सही सही, तो उनकी वजह से भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा नाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं काम। बिल्कुल सही, मैं हमेशा ये बात किया करता हूँ कि शायद मेरी बात से किसी को असर हो जाए। कहते हैं कि मौसम की आसान मंदी और शुक्रगुजारी शराफत का अवलिन तकाजा है। सुभान, जिन लोगों ने अपने मौसम को भुला दिया उनको दुनिया ने भी भुला दिया। देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने तो किसी से सीखा ही नहीं। हाँ नहीं, अच्छा भी तो किसी को नहीं सीखे तो तू कर की रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओ साहब ने एक जज बैठा है म्यूजिक दे प्रोग्राम, एक जज बैठा है, तो जज गए तो लोगों को दस रहे तो आप गा नहीं सकता। हाँ देखो कितने प्रोग्राम चल रहे, सही सही, किसी का नाम नहीं ले रहे। हाँ नहीं, बड़े बड़े दारे जैसे लोग बड़े सारे पता लग जाएगा, ठीक है, लग गया लोगों को पता। अज म्यूजिक की दुनिया के पागल नहीं है लोग, बिल्कुल तो सब कुछ पता है उनको। बिल्कुल सही, कोई और ये कोई वो बात नहीं, अल्लाह सबको इज्जत दे जो जो अच्छा कुछ कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है यार, सीख पूछ के इस काम को करना चाहिए जो इस काम की बुनियाद है क्लासिकल, बिल्कुल, जिसका किसी अमीरी गरीबी के साथ लिंक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम काम करते हैं ये क्लासिकल क्योंकि हमारी बुनियाद क्लासिकल है, सही, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो सर वो नहीं है इसका पंजाबी अलग से एक नहीं होती है, जितने सारे बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, असं उतों शुरू किया है। रिक्वेस्ट है ही यार, सीखो पुछो, अच्छे आर्टिस्टों की रिस्पैक्ट करो। सही है, तो अल्लाह परवरदिगार तो होर नू आ जाएगा, होर इज्जत देगा, बेशक बेशक, क्योंकि ये काम दुआओं का है। हाँ जी बिल्कुल, दुआओं के, दुआओं और सीखने के बगैर आर्टिस्ट नहीं बन सकता। नहीं बिल्कुल नहीं बन सकता, जब तक सीखेगा बरकत ही नहीं रहती। तो अजकल तो तुम्हें पता नेट आ गया। हाँ जी, वो बोलो। हाँ जी, तो खुराक का ना लवो तो मशीन खुल जाती है। हाँ जी, किसी टैंपो का ना लवो तो वो पूरी फ्रिज भरी होती, हर चीज़ का सारा कुछ भरया है। बिल्कुल सही, निकल आता बिचों। बिल्कुल सही, तो आसान हो गया ना। लेकिन राशिद भाई, एक मैंने पहले अर्ज किए थे, जो मर्जी मशीनें खुल जाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक कराने वाला नहीं है ना, उसकी एक अपनी अहमियत है। ये मशीनें जो भी सहूलतें आ गई हैं, उस्ताद की कोई वैल्यू नहीं है। एक उस्ताद ने बताना है आपको, हाँ यार ये दरबारी की इस्ताही है, ये इसको ऐसे ऐसे शुरू करना है। बिल्कुल, और इसको ऐसे रहेगा। उस्तादों की तो इज्जत बरकरार, उस्तादों की वैल्यू है रहती दुनिया तक रहेगी। क्यों? कि ये लोग जितने भी अब नई जनरेशन है ना, वो शायद ये समझते हैं कि हमें मशीनें मिल गई हैं, हमें सब पता चल कुछ भी नहीं, कुछ तो भी कोई भी नहीं। लेकिन जब तक करने वाले पे सॉरी सवाल आ सकता है, इस काम पे नहीं सवाल आ सकता, नहीं आ सकता। कई बंदे कहते हैं यार बस यार रहने दो क्लासिकल फ्रांस, वो भाई क्लासिकल छोड़ेंगे तो क्या करेंगे। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ क्लासिकल अलावा कोई चीज़ है तो आप सुनाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने जितने जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको कोई पैगाम देना चाहें आप प्लीज़। मेरे अपने लिए भी यही पैगाम है, उनके लिए भी यही पैगाम है यार, सबसे पहले आप अपने माँ बाप का अदब करो। सुभान अल्लाह, अपने टीचर का अदब करो। गुड, और कोशिश ये करो सबसे दुआएँ लो। ग्रेट, किसी की दिलाजारी ना करो, ये काम दिलाजारी का नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी का दिल ना दुखाओ। बिल्कुल, ना किसी का हक खाओ। सही, आप अब दुआएं लो और अपनी रियाजत करते रहो। सही, मेहनत करते रहो, रैंक तो मेरे अल्लाह ने करनी है ना। बेशक, उस बात का तो तुम्हें पता ही नहीं, अगर ये पता है कि मैं ये कर लूंगा तो अभी मैं हिट हो जाऊंगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। सही सही, तो अल्लाह परवरदिगार ने रहमत करनी है, तो मेरा यही मैसेज है, दुआएं लें सबकी, अपने उस्तादों का अदब करें, अपने माँ बाप का अदब करें, और सीखें और मेहनत करें, और अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आमीन, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, मैं चाहूँगा कि DS डिजिटल TV के लिए आप कुछ कह दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत चैनल है, और आपने आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी बातें ये यहाँ पे वो बातें हो रही हैं जो हम किसी के सामने नहीं कर सकते। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइबर भी कीजिए और देखिए भी, और लाइक भी कीजिए, और आगे भी शेयर कीजिए, और आपको बड़े बड़े अच्छे इंटरव्यूज़, बड़े बड़े अच्छे गाने, बड़ा बड़ा अच्छा म्यूज़िक मिलेगा। और एंड में मैं यही कहूँगा,
आपके साथ भी हमारी दुआ है। सईद भाई बैठे हैं अपन पाकिस्तान में, ये हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं और ये बड़े सच्चे और बड़े प्यारे और बड़े कोमल इंसान हैं। इनमें वो बात नहीं है, ये बड़े सुचल इंसान हैं। तो अल्लाह परवरदिगार इनको भी सलामत रखे, आपको भी तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। तो इंशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार आपके चैनल को जल्द से जल्द और इंशाल्लाह तरक्की मिले, मेरी दुआ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने जिस सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बातें की हैं वो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। अल्लाह पाक उनके फ़न में और निखार पैदा करें और इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। तो नेक्स्ट फिर किसी नई सेलिब्रिटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और सईद सीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।